तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल उषा की किरण में। मैं हूं आपका दोस्त ब्रजेश। दोस्तों आज हम बात करेंगे महिंद्रा की नई गाड़ी XUV 700 के बारे में, जिसका वीडियो बनाने के लिए मैं इंदौर में आया हूं सौम्या महिंद्रा, जो कि विजयनगर के पास में इनका शोरूम स्थित है। और मेरे साथ है विजय सर, जो कि गाड़ी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपके लिए देने की कोशिश करेंगे हम दोनों मिलकर के। तो विजय भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास में मॉडल कौन सा ये खड़ा हुआ है। ये X7 लग्जरी है। X7 लग्जरी, यानी कि इसका टॉप मॉडल हमारे पास में है दोस्तों, जिसके अंदर आपको तमाम सारे यानी कि सारे ही सारे फीचर जो है महिंद्रा ने यहाँ पर भर भर के दे दिए हैं। अगर हम दोस्तों इसके फ्रंट फेशिया की बात करें सबसे पहले, तो आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार आपको इसके अंदर ग्रिल मिलती है, महिंद्रा का लोगो मिलेगा जो कि नया इंट्रोड्यूस किया कंपनी ने। और विजय भाई, ये जो लाइट मिलती है इसके अंदर, ये लाइट कौन सी है? क्लियर भी हेडलैम्प है सर, व्हाइट कलर के। अच्छा, और यहाँ पर हमें ये सीक्वेंसर जो है इसके अंदर टर्न इंडिकेटर है। हाँ? साथ ही इसमें खूबसूरत से दिखाई देने वाले LED DRL है, जो व्हाइट कलर में काफी लुक को एनहांस करते हैं, लाइट के समय में काफी अच्छी लगती है। तो दोस्तों काफी बड़ा सारा आपको यहाँ पर जो है हेडलाइट का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा सामने की साइड में, और नीचे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इसके अंदर फोग लैंप, जो कि काफी स्टाइलिश है, व्हाइट कलर के भी अंदर आपको मिलते हैं ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों काफी शानदार इसके अंदर ये जो है नीचे की ग्रिल वगैरह भी दी गई है। ओवरऑल दोस्तों ये जो गाड़ी है काफी एक बोल्ड लुक वाली गाड़ी है, और काफी लंबी चौड़ी ये गाड़ी है। अगर हम इसके बजट की बात करें तो विजय सर, इसकी जो कीमत है कितनी है लगभग? ये टॉप एंड मॉडल है, 27,17,000 रुपए ऑन रोड प्राइस। 27,17,000 रुपए के ऑन रोड प्राइसेस में आप इस टॉप मॉडल को अपने घर लेके जा सकते हैं। चलिए दोस्तों गाड़ी के हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, जहाँ पर हमारी निगाह जाती है इसके ORVM के ऊपर। काफी स्टाइलिश ORVM है, जो कि टर्न इंडिकेटर के साथ में मिलते हैं, और इलेक्ट्रिकली ये जो है एडजस्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकली फोल्ड हो जाएंगे अंदर से हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। कैमरा पे माउंटेड है, जो ऊपर आपको अंदर के साइड में डिस्प्ले में दिखाई देगा। अच्छा, इसके अंदर आपको 360 व्यू, मतलब 360 व्यू जो कैमरा है। तो दोस्तों काफी लंबी चौड़ी गाड़ी है, यहाँ पर आपको कैमरा वगैरह दिया गया, जिससे कि आप गाड़ी जब चलाएं तो आपको चारों ही साइड का व्यू यहाँ पर दिखाई देगा। और बात करते हैं दोस्तों इसके स्टाइलिश, हम स्मार्ट डोर हैंडल। अच्छा, इसका क्या फंक्शन है विजय सर? सर स्मार्ट डोर हैंडल का फंक्शन ये है कि कीलेस रहता है, कीलेस एंट्री मिलती है आपको, काफी दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देती है। अच्छा, ये अंदर बंद होता है कि ऐसे ही रहता है? 10 की स्पीड पर ये बंद हो जाएगा, या गाड़ी के अंदर बैठ के इसको लॉक करके बंद करना चाहे। अच्छा, तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा जब हमारी गाड़ी रनिंग करेगी रोड के ऊपर, बाकी हम इसको जब खोलेंगे तो इस तरह से ये जो है हमारा ओपन हो जाता है। दोस्तों हमने काफी सारी इसके अंदर एक्सेसरीज भी लगाई हुई है, जिसको आप पार्ट अलग से माने। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर की। दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर आपको फुल्ली ऑटोमेशन देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें इसके सीटिंग की, तो सीटिंग अरेंजमेंट आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ में आता है। डोर के ऊपर आप यहाँ पर आपको सारे के सारे जो कंट्रोल्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। आप पानी की बॉटल रख सकते हैं 1 लीटर की, यहाँ पर आपको और स्पेस मिलता है, छाता वगैरह रखने के लिए भी जगह मिल जाती है। सारे आपको यहाँ पर पावर विंडो की फिटिंग मिलती है देखने के लिए, जो कि ब्लैक पियानो फिनिश के साथ में दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको इसके अंदर सिल्वर फिनिश के साथ में आने वाला डोर ओपनिंग ये है, लीवर है। और ये क्या मिलता है सर हमें यहाँ पर? ये सर अपना सीट का अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रिक सीट अरेंजमेंट। इसको मैं इस तरीके से आगे करता हूँ तो मेरी सीट फॉरवर्ड जाती है। अच्छा, ये बैकवर्ड, ये रिक्लाइन, ये डिक्लाइन, और ये अप एंड ये डाउन का। यानी कि आपको सीट के जो कंट्रोल हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मिलते हैं। तीन मेमोरी भी सर आप इसमें सेट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में 3 मेंबर है तो अलग अलग मेमोरी के अनुसार इनको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सोनी का आपको ब्रांडिंग वाला ट्विटर दिया गया, यानी कि म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर सोनी का दिया गया सर। सोनी का दिया गया सर, सोनी का म्यूजिक सिस्टम है दोस्तों, जिसकी 12 स्पीकर से 12 स्पीकर है। दोस्तों गाड़ी के अंदर आपको 12 स्पीकर मिलते हैं, पूरी लंबी चौड़ी गाड़ी को पूरा का पूरा एकदम झमाझम करने के लिए काफी है। और अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके डैशबोर्ड की, जहाँ पर आपको तमाम सारी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर हमें क्या क्या चीज मिल रही है सर, बताइए। इसका इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, इसके स्टीयरिंग पे आपको स्टीयरिंग के लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड फोन कंट्रोल्स मिल जाते हैं। FM को कनेक्ट करने के सोर्स का बटन मिलता है। इसके अलावा स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड पे आप जाएंगे तो आपको क्रूज एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का आपको जो है सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा महिंद्रा का जो नया सिग्नेचर लोगो वो भी यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है, काफी खूबसूरत सा दिखने में स्टीयरिंग। इसके बाद में इसके बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की। हाँ जी, तो काफी बड़ा दिया गया है, 10.25 के दो दिए गए हैं यहाँ पर टच स्क्रीन प्लेयर। आपको एक 10.25 का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखेगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, और डिजिटल क्लस्टर इसका 10.25 का है जो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे मिलेगा। यानी पूरा ही इसके अंदर जो है डिजिटल हमें सारा का सारा चीजें देखने के लिए मिलती है, चाहे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो, चाहे आपका म्यूजिक सिस्टम हो, सारी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पर इस साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये क्या है, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल है, या भी हेडलाइट की लेवलिंग हो गई,
और यहाँ पर ये जो है इसके अंदर लेदर है, सॉफ्ट लेदर डाला है, काफी बेहतरीन इसका इंटीरियर हमें देखने के लिए मिलता है दोस्तों। और गाड़ी के अंदर अगर हम सीटिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे विजय भाई जो है इनकी लंबाई चौड़ाई भी काफी है और काफी कंफर्टेबली ये जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे लेग स्पेस हो चाहे इनका हेडरूम हो, यहाँ पर कोई भी इनको कमी नहीं है, मतलब आराम से ये जो है अपनी गाड़ी को लॉन्ग रूट तक चला सकते हैं। दोस्तों अगर हम पैसेंजर साइड की डोर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको इसके अंदर वही चीज़ें मिलती हैं, पानी की बोतल रख सकते हैं, पावर विंडो के स्विचेज हैं, ब्लैक पियानो फिनिश के साथ में आपको मिलता है ग्रैब हैंडल काफ़ी मजबूत, और यहाँ पर आपको ये वुडन फिनिश डाला गया है जो कि गाड़ी के इंटीरियर को काफ़ी खूबसूरत बनाता है। साथ ही आपको नीचे की साइड में मिल जाती है रेड कलर की लाइट जो कि गेट के ओपन होने को यहाँ पर इंडिकेट करती है, और इस तरह का जो है हमें इंटीरियर दूसरी साइड से यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं दोस्तों हम इसकी सीट्स की, विजय भाई इसके अंदर जो सीट है वेंटिलेटेड सीट मिल रही है हमें? लेदर सीट है सर। वेंटिलेशन है कि नहीं इनके अंदर? वेंटिलेशन नहीं है, मतलब सिंपल सीट है हालांकि, लेकिन इसके अंदर आपको लेदरेटिक सीट मिल जाती है देखने के लिए। और आप देख सकते हैं दोस्तों हेडरेस्ट वगैरह है, और सेवन सीटर के साथ में आती है हमारी एक्सयूवी 700। सर इसके अंदर अगर हम सेफ्टी की बात करें तो क्या क्या चीज़ें मिल जाती है हमें यहाँ पर? सेफ्टी में सर इस बार इसमें मतलब बेसिक मॉडल से चारों डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, ABS CVT है, इसके अलावा एडास फंक्शन इसमें दिया है, इसकी सेफ्टी को काफी बढ़ा देता है। 5-star रेटिंग सर इसको मिला है GN कैप में, 5-star रेटिंग है, बहुत अच्छी बात है सर। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास में ऑटोमेटिक वेरिएंट है ये जो है यहाँ पर, जिसका गियर लीवर हमें कुछ इस तरह का मिलता है, जिसको ऑपरेट करने के लिए विजय सर आप बताइए किस तरह से हमें इसको ऑपरेट करना है। अभी जो है पार्किंग में है, पार्किंग से आप इसको देन एक बार पीछे करेंगे तो यहाँ पर रिवर्स लग जाएगा। अच्छा, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें इसके स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रही है जी, ठीक है। देन ये न्यूट्रल है, ओके, और यहाँ पर आपको ड्राइव मोड का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। और जब भी हम अपनी गाड़ी को चलाएंगे तो हमें चारों तरफ का व्यू जो है इसके स्क्रीन पे देखने का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होता है, जो कि एक काफी अच्छा सेफ्टी फीचर हमें मिल जाता है दोस्तों। और इस तरह से है ना, और पुश स्टार्ट बटन मिलता है हमें गाड़ी के अंदर जी, पुश बटन स्टार्ट है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, आप कर सकते हैं आप, ओके, और ये स्टीयरिंग टिल फंक्शन के साथ में मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि हमें अपनी बॉडी के अनुसार यहाँ पर बैठने में सहूलियत देता है। साथ ही दोस्तों अगर हम ऊपर की बात करें तो गाड़ी के अंदर आपको मिलता है इसके अंदर पैनारोमिक, इसके अंदर सनरूफ जो कि इस तरह से ओपन हो जाता है इलेक्ट्रिकली, जो कि गाड़ियों के अंदर एक काफ़ी डिमांडिंग फीचर हो चुका है आजकल के समय में। तो इस तरह से एक लंबी चौड़ी गाड़ी के अंदर जब आपको इस तरह का सनरूफ मिलता है जिससे कि आप बाहर के वातावरण का भी यहाँ पर आनंद ले पाते हैं। तो और सामने की साइड में आपको यहाँ पर इसके अंदर सनवाइजर वगैरह मिल ही रहे हैं दोनों साइड में, ऊपर की साइड में आपको यहाँ पर ग्लास होल्डर के साथ में दोनों ही साइड में म्यूजिक सिस्टम भी दिया गया है। कितने 12 स्पीकर बताए थे ना सर आपने? तो 11 या 12? 12 स्पीकर हैं, ड्राइवर के ऊपर भी स्पीकर है, को पैसेंजर साइड में भी स्पीकर है, बीच में आपको यहाँ पर भी इसके अंदर जो है स्पीकर दिए गए हैं छोटे छोटे, और फ्रंट में भी हमें वहाँ पर जो है स्पीकर गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों आप देख लीजिएगा इंटीरियर पूरा का पूरा, और यहाँ पर गाड़ी के अंदर लाइट वगैरह भी काफ़ी खूबसूरत दी गई है, वाइट कलर की लाइट है सर ये, है ना जी। और ये ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, एक दो कोट होल्डर के साथ में मिल रहे हैं आपको, जो कि आपको लंबे सफ़र पे जाना है कोट वगैरह टांगना है तो उसमें काफ़ी सहूलियत हो जाती है। इसके अंदर आपको पीछे तक जो है इसके अंदर यहाँ पर ग्रैब हैंडल अवेलेबल करवाए गए हैं महिंद्रा के द्वारा। तो दोस्तों काफ़ी शानदार इंटीरियर के साथ में है महिंद्रा XUV 700, जहाँ पर पीछे वाले जो हमारे पैसेंजर हैं सेकंड रो वाले उनके लिए भी यहाँ पर जो है AC वेंट की व्यवस्था की गई है, साथ ही मोबाइल को चार्ज करने का भी प्रोविज़न मिल जाता है, आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल को रखने के लिए भी अलग से एक पॉकेट दी गई है। ड्राइवर के कम्फर्ट के लिए यहाँ पर आपको एक आर्म रेस्ट भी मिलता है जिसके अंदर आपको यहाँ पर कूलिंग की सुविधा है सर, इसके अंदर कूलिंग की सुविधा मिल जाती है जिसके अंदर आप अपना छोटा मोटा कुछ सामान रख सकते हैं। और आगे हमें यहाँ पर सर ये क्या क्या मिल रहा है आगे? सर ये इंटेली कंट्रोल है। अच्छा, हाँ, यहाँ से आप इसको इसका जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, यहीं से कर सकते हैं, ठीक है, सब वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह सारी चीजें ओके कर सकते हैं। तो रेडियो को तो कर देते हैं हम म्यूट, जरा बंद कर देते हैं रेडियो की आवाज। और दोस्तों यहाँ पर आपको की वगैरह रखने के लिए भी जगह मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग मिलेगा आपको इसमें। अच्छा, आप अपने फोन को सपोर्ट करता है वायरलेस चार्जिंग तो वो कर सकते हैं इजीली, देख सकते हैं आप चार्जिंग शुरू हो गई है। वहाँ पर हमें USB और पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करने का भी ऑप्शन दिया गया है आगे की साइड में जी सर। तो दोस्तों काफ़ी सारे कंट्रोल स्विचेज आपको डैशबोर्ड के ऊपर मिल जाते हैं, ड्राइवर इजीली उनको यहाँ से ऑपरेट कर सकता है। मैं बताना चाहूँगा सेकेंड रो में इसमें आप सबसे पहले अपन डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी पियानो फिनिश में आपको डोर हैंडल स्मार्ट मिलता है, इसके अलावा यहाँ पर सिल्वर क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है, पावर विंडो के स्विच है, बॉटल होल्डर है, स्पीकर्स भी यहाँ पर माउंट है। इसके अलावा जैसे एंट्री करते हैं XUV 700 की एक और बैजिंग है। हाँ जी। इसके अलावा जैसे मैं बैठ के देखता हूँ आपको,
काफी अच्छा लेग रूम, काफी अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है, हेड रूम भी अच्छा है और तीन लोग इसमें आसानी से बैठ सकते हैं। तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं। आपको इधर से बताऊं तो एक इसमें इधर हमें आर्म रेस्ट भी दिया गया बीच की साइड में, ठीक है, कप होल्डर के साथ में मिलेगा आई थिंक, ये आर्म रेस्ट मिलेगा कप होल्डर के साथ में जो काफी कंफर्टेबल है। तो दोस्तों आप एक बार देख लीजिएगा अंदर का व्यू, विजय सर के बैठने के बाद में हेडरूम वगैरह काफ़ी शानदार मिल रहा है और इस तरह का हमें इंटीरियर जो है गाड़ी का देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर हमने आगे और मिडिल वाली जो सीट है उसके बारे में बात कर ली है। अब इसकी जो पीछे वाली सीट है उसके बारे में भी विजय भाई हम बात कर लेते हैं। जी सर। दोस्तों गाड़ी का वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और शेयर आप अवश्य करिएगा। पीछे से भी हम देखते हैं तो यहाँ पर अंदर आपको यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत लेटर्स के साथ में ब्रांडिंग मिलेगी देखने के लिए और AX7 लग्जरी इसका जो मॉडल है उसका ब्रांडिंग है देखने के लिए। पीछे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर है, यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका कैमरा, यहाँ पे मिलते हैं आपको सिग्नेचर लोगो और डिफॉगर है, वाइपर है, ये आपको मिल ही जाते हैं, लाइट मिल जाती है स्टॉप लाइट, ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा, रूफ रेल वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों इस तरह की गाड़ी दिखती है हमें पीछे की साइड से और ये यहाँ पर आपको दिख रहे हैं शौम्या व्हीकल महिंद्रा के फ़ोन नंबर्स। अगर आप हमें इंदौर के आसपास से देख रहे हो तो आप यहाँ पे कॉल करके इस गाड़ी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन और ले सकते हैं। पीछे से देखने पे हमें काफ़ी स्टाइलिश इसके अंदर टेल लैंप्स मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छी प्रोफाइल में है, LED के साथ में ही है ना सर ये? सर ये एरो हेडेड टेल लैंप है। ओके, LED के साथ में। अच्छा, और इस साइड में मिलता है हमें इसके अंदर आने वाला फ्यूल टैंक को आप वन टच पॉपअप करेंगे देन ये ओपन हो जाएगा। डीजल टैंक कितने लीटर का है? 57 लीटर का डीजल टैंक मिलता है। इसमें एड ब्लू भी डालना पड़ेगा, यूरिया भी डालना पड़ेगा, जो कि दोनों ही पॉइंट आपको एक ही जो है यहाँ पर पॉइंट के अंदर दे दिए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके पीछे वाले बूट एरिया की, इसको खोल करके देख लेते हैं विजय सर। इसको खोलने के लिए दोस्तों हमारे पास में यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका एक मैग्नेटिक स्विच रहता है, इस तरह से आप इसको ओपन करेंगे, जहाँ पर आपको इसके अंदर पीछे वाली जो सीटिंग है वो देखने के लिए मिलती है, दो लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं और इसको फोल्ड करने का भी प्रोविजन यहाँ पर रहता है। जी सर। आप इस तरह से इनको इजीली फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, इस तरह से आप अपने बूट स्पेस को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। एक अच्छी चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये यह हो जाती है कि आप सेकंड रो को भी अगर फोल्ड करना चाहें तो वो भी आपको यहाँ पर प्रोविजन अवेलेबल होता है। पीछे वाले लोगों को बैठने के लिए यहाँ पर आपको AC के पॉइंट यहाँ पर भी दिए गए हैं कंट्रोल्स के साथ में और वाटर बॉटल रख सकते हैं, मोबाइल वगैरह को चार्ज करने का प्रोविजन भी आपको पीछे की साइड में यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह का इनर व्यू है गाड़ी का, अगर हम आगे से लेके पीछे तक देखें तो काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है और काफ़ी लंबी चौड़ी गाड़ी हमें यहाँ पर महिंद्रा XUV700 दिखाई देती है। सर इसका स्पेयर व्हील कहाँ पर है? इसका स्पेयर व्हील कवर सर यहाँ पर नहीं। अच्छा, तो दोस्तों आपको यहाँ पर स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा इसका देखने के लिए, यहाँ पर आपको इसकी टूलिंग्स वगैरह मिल जाएगी आई थिंक देखने के लिए, यहाँ पर आपको इसकी टूलिंग्स मिलेगी। इसका स्पेयर व्हील जो है उसको अंडर बॉडी यहाँ पर माउंट किया गया है, जो कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर ये नीचे की साइड में माउंटेड है। पीछे वाले सीट के लिए आपको यहाँ पर एक दिया है पॉइंट, इसको आप जैसे वन टाइप प्रेस करेंगे। अच्छा, ये वाली सीट हमारी फोल्ड हो जाएगी, यहाँ से जो है हम आराम से पीछे वाली रो में जा सकते हैं, पीछे वाली सीट पे जो है जा सकते हैं। हमारे विजय सर काफ़ी लंबे चौड़े हैं और इजीली यहाँ पर ये जो है बैठ गए हैं और बैठने के बाद में ये अपनी सीट को यहाँ पर जो है इसी तरह से फिर दोबारा से अपनी पोजीशन में लेके आ जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा फीचर है दोस्तों पीछे वाली सीट पर जाने के लिए। और पीछे का अगर मैं आपको स्पेस दिखाऊं यहाँ पे बैठने के बाद में तो आप देख सकते हैं विजय सर जगह की कोई कमी है कि यहाँ पे? काफ़ी सफिशिएंट है, काफ़ी कंफर्ट बैठा हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल हमें स्पेस मिलता है। पीछे वाले लोगों के लिए भी स्पीकर वगैरह पीछे की साइड में भी दिया गया है। तो काफ़ी खूबसूरत इंटीरियर के साथ में है दोस्तों महिंद्रा XUV700। तो दोस्तों गाड़ी के अंदर की काफ़ी सारे फीचर हमने आपको बता दिए हैं, अब गाड़ी का जो इंजन है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। हमने गाड़ी को स्टार्ट किया हुआ है ताकि आई थिंक आपको बैकग्राउंड के अंदर इसकी आवाज़ आ ही रही होगी। तो विजय सर इसके बोनट को खोलेंगे और बात करते हैं दोस्तों XUV700 के हम इंजन के बारे में। ये गाड़ी दोस्तों जो है दो तरह के इंजन ऑप्शंस में आती है। विजय सर ये जो हमारे पास में वेरिएंट है ये कौन सा वाला वेरिएंट है? सर ये इसमें डीजल वेरिएंट अपने पास में अभी जो है अवेलेबल, इसमें 2.2 लीटर का हेमोक इंजन आता है और 185 PS पावर जनरेट करता है। Okay. साथ ही साथ एक इसमें 2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, एमस्टेलियन पेट्रोल इंजन, और उसमें 200 PS पावर जनरेट होता है। अगर हम इससे माइलेज की बात करें तो विजय सर कितना माइलेज देगी? 16.8 का कंपनी क्लेम में सर माइलेज डीजल इंजन का और पेट्रोल इंजन के 14.7 माइलेज। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा कुछ इस तरह का इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है जो कि BS6 टेक्नोलॉजी के साथ में आएगा और इंजन की आवाज़ भी काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी सॉफ्ट इसकी आवाज़ है अगर आप सुन पा रहे हैं तो। काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर जो है फिटमेंट किया है महिंद्रा ने अपनी इस नई गाड़ी के अंदर, ऊपर आपको यहाँ पर इंसुलेशन वगैरह भी दिया है गाड़ी के अंदर। NVH लेवल जो है काफ़ी मतलब नगण्य है, कुछ भी नहीं है और गाड़ी को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग तो मिली गई है। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन ये गाड़ी है,
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं विजय सर और मैंने दोनों भाइयों ने मिलकर के यहाँ पर नई गाड़ी महिंद्रा XUV 700 के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा दी है। प्राइसिंग के बारे में हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं। 27,17,000 रुपये के ऑन रोड प्राइसेस में आप इसको महिंद्रा सोमिया से परचेज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप आएंगे इनसे मिलेंगे तो हो सकता है आपको कुछ तो कुछ डिस्काउंट जो है करवा पाएंगे। आई थिंक पर डिस्काउंट है नहीं क्योंकि गाड़ी जो है ऑलरेडी वेटिंग में चल रही है। सर इसका वेटिंग पीरियड की बात करें तो कितना चल रहा है? सर इसका कोई स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड आया नहीं है, अभी तो बुकिंग्स वगैरह चल रही है। अच्छा, जल्दी मतलब इसका एक वेटिंग पीरियड आने की संभावना है महिंद्रा से। तो दोस्तों वीडियो यही था, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने तमाम सारे महिंद्रा की गाड़ियों के वीडियो बनाए हुए हैं, उनको देखना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।